हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बना रही हूँ मैं केक और ये है बिस्किट। इनको मैं इसके अंदर का क्रीम निकाल रही हूँ अभी। तो क्रीम निकालने के बाद ये है टाइगर बिस्किट, और इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको आगे का प्रोसेस जो कर रही हूँ मैं आगे। तो इसके बाद इनको मैंने मिक्सी में तोड़ के डाल दिया है, अब ग्राइंडर करूँगी। और ग्राइंडर करने के बाद दिखाती हूँ आपको, और इसमें मैंने चीनी भी मिक्स कर दी है। और इसके बाद करिए मैं ग्राइंडर। ये देखिए ग्राइंडर कर दिया मैंने अभी, और ये बना रही हूँ मैं इस बाउल में। अभी इसका पेस्ट बनाऊँगी, तो अभी डाल रही हूँ मैं इसमें, और इसमें मैंने थोड़ी दूध ऐड करके इसको मिक्स कर रही हूँ अभी। तो मिक्स करने के बाद फिर बना रहे हम इसमें केक। और ये देखिए अभी तो इसमें स्टीम करने के लिए रखा है, और ये है इसका कंटेनर। तो इस पर तेल लगा के और ग्रीस करके, और फिर इसमें इनो डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी। और इनो डालने के बाद इसको भी मिलाऊंगी इसमें हल्का सा, ज़्यादा नहीं मिलाना पड़ता है, हल्का सा मिलाऊँ। और अब इसको डाल रही हूँ मैं इस कंटेनर में, यह है केक टिन। तो इसमें डाल रही हूँ मैं अभी बैटर को, और इसके बाद इसको थोड़ी सी टैप करना है ऐसे करके, दो तीन बार टैप करके। फिर मैंने ये पतीली हीट करने के लिए रखी थी, तो मैं पतीली में ही बना रही हूँ अभी। तो इसमें डालती हूँ अभी इसको, और अब मैं इसमें रख रही हूँ इसको। और इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आँच पे रखूँगी, फिर 25 मिनट के लिए इसको कम हीट में रखूँगी। तो इसके बाद देखिएगा, 25 मिनट के लिए रखने के बाद ये है हमारा केक बनके तैयार हो गया है। और दिखाती हूँ आपको इसका प्रोसेस। ये देखिए गाइस, इतना अच्छा केक बन रखा हुआ। और इसके बाद हमने इसमें चॉकलेट और इसका क्रीम मेल्ट करके इसके ऊपर से लगा रहे हैं अभी, और पूरा इसको हमने ऐसे करके बराबर लगाने के बाद इसमें हमने जेम्स की कुछ वो भी लेके आ रखे थे जेम्स, तो उसको भी लगा रहे हैं अभी। तो देखिए गाइस, ये लगा दिए हमने सारे जेम्स, और हमारा केक बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बना था। और ये देखिए हमारा केक, तो वाओ। और खाने के लिए रेडी ये कर रहे हैं हम, आप कट खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो गाइस देखिए, आप भी बनाइए घर पर। तो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें भी। और थैंक यू सो मच।